चोरी और ठगी के नए नए पैतरे, यानी चोरी भी हो जाए और जान भी बच जाए। जी हाँ, चोरी और डकैती अब रात में ही नहीं बल्कि दिन दहाड़े भी आपकी आंखों के सामने आपको चुना लगा सकती है। मामला पालम इलाके का है, जहाँ एक कपड़े के शोरूम में तीन महिलाओं ने तांडो तो मचाया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तांडो में कोई शोर शराबा नहीं हुआ और बड़े ही आराम से ये महिला चोर गैंग शोरूम से हजारों का माल लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। लेकिन शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में महिलाओं की एक एक हरकतें कैद हो जाती हैं। कैश हम घर भूल गए हैं, आप एक लड़का भेज दीजिए हमारे साथ, वो कैश रिसीव कर लेगा वहाँ से। तो लड़का यहाँ से उनके साथ जाता है, अपनी सोसाइटी के बाहर वो रोक कर उनको, दो लेडीज मतलब एक बच्ची और एक लेडीज बाहर रुकती हैं और दो अंदर जाती हैं सोसाइटी के अंदर कि आप गेट पे रुको, अभी कैश लेके आ रहे हैं। 15-20 मिनट होते हैं, जब लड़का पूछता है कि बहुत देर हो गई वो अभी तक नहीं आए, तो वो लड़की कहती है कि मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ मम्मी को, दीदी चलो मेरे साथ, जो उसके साथ लड़की थी। जो अंदर जाते हैं तो जैसे ही 2-3 मिनट बाद लड़का भी पीछे जाता है तो पता चलता है वो वहां से गायब है। जब कपड़ों के शोरूम में अनोखे ढंग से चोरी को देख कर आप हैरान हो जाएंगे, इन महिलाओं को देखकर आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि महिलाएं किसी अच्छे परिवार से नहीं बल्कि एक चोरनी गैंग के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, ये महिलाएं चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पूरे इंतजाम के साथ आती हैं, जिससे कि इन महिलाओं पर किसी को भी शक न हो पाए। ये महिलाएं अपने साथ एक छोटी मासूम बच्ची को भी लाती हैं, जिसके बाद शोरूम में शुरू होता है चोरी करने का एक नया और अनोखा अंदाज। इन्होंने क्या महंगे से महंगे कपड़े लिए और इन्होंने कुछ नहीं किया, ना साइज चेक किया ना ट्राई किया, सीधा ये दे दो वो दे दो सारा कलेक्शन किया। इन्होंने कहीं 20-25 हज़ार के करीब बिल था वो बनवाया और फिर बाद में कहते हैं कि हमारे पास कैश नहीं है। हालांकि शोरूम मालिक ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि महिला चोर गैंग कहां-कहां भोले भाले लोगों का शिकार बना चुकी है।